कांग्रेस के पास आई एक चिट्ठी ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बंटाधार कर दिया। वो चिट्ठी थी टीएस सिंहदेव का प्रमोशन लेटर। टीएस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बड़ा खेल कर दिया। कांग्रेस के इस खेल से बीजेपी का खेल खराब हो गया। नौबती आ गई कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ में अपना खेलने का तरीका बदलना पड़ा है। आइए जानते हैं कि कैसे टीएस सिंहदेव को पावर देकर कांग्रेस ने बीजेपी को बैकफुट पर भेज दिया था। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक जरा था, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की थी। इनके डिप्टी सीएम बनते ही कांग्रेस के अंदर का कलह खत्म हो गया। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर पार्टी ने एकजुटता का संदेश दिया। बात यही नहीं रुकी, भूपेश सरकार के जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तब टीएस बाबा को हेल्थ के अलावा ऊर्जा विभाग का भी मंत्री बना दिया गया। अब इस कदम से हुआ क्या कि जो कांग्रेस के अंदर का सबसे बड़ा कलह था वो खत्म हो गया। टीएस सिंहदेव भी भूपेश सरकार की तारीफ करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर राज्य में फिर से कांग्रेस की वापसी होती है तो भूपेश बघेल सीएम पद के लिए पहली पसंद होंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के कारण ही कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी। उस वक्त भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष थे, वही टीएस सिंहदेव घोषणा पत्र के प्रमुख थे। दोनों की जोड़ी ने 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को करारी हार दी थी। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए बीजेपी कहीं न कहीं चाहते थे कि इन दोनों के बीच में फूट हो और फूट के बीच वो अपना रास्ता बनाए। बीजेपी को लग रहा था कि गुटबाजी के कारण इस चुनाव में दोनों एकजुट नहीं हो पाएंगे, जिसका फायदा पार्टी को मिलेगा। कहीं न कहीं बीजेपी का ये प्लान काम भी कर रहा था। दोनों नेताओं की गुटबाजी के बीच बीजेपी ने सरगुजा इलाके में अपना दखल बढ़ा दिया था। सरगुजा संभाग टीएस सिंहदेव का गढ़ माना जाता है। 2018 में कांग्रेस ने यहाँ की सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन दोनों नेताओं के एकजुट होने के बाद कांग्रेस ने अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।